आपका स्वागत है। ग्रूमेज एडी विटामिन बेबी ऑयल बच्चों की हड्डियाँ और मांसपेशियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, नकालों से सावधान रहें। ग्रूमेज देख कर खरीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम धनबाद पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मोदी ने मन से लोगों को संबोधित करते हुए राज्य को 27,000 करोड़ का तोहफा दिया है। धनबाद के बलियापुर पहुंचे पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए 4 साल के कार्यकाल में हुए विकास योजनाओं की जानकारी दी। मोदी ने मन से ही राज्य के 27,000 करोड़ के विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया। मोदी ने जिन योजनाओं की नींव रखी उनमें सिंदरी कारखाना, देवघर एम्स, एयरपोर्ट, पतरातु सुपर थर्मल और रांची गैस पाइपलाइन अहम है। पीएम ने मंच पर विस्थापितों को नियुक्ति पत्र सौंपा, साथ ही सूबे में 250 औषधि केंद्र खोलने की घोषणा भी की। मोदी के कई अंदाज आपने देखे होंगे, लेकिन आज लोग उस वक्त हैरान रह गए जब कोलकाता के शांति निकेतन पहुंचे मोदी ने मंच से हाथ जोड़कर माफी मांगा। आखिर क्या है ऐसा जो मोदी को माफी मांगनी पड़ी, आप खुद देखिए। मैं सबसे पहले विश्व भारती के चांसलर के नाते आप सबकी क्षमा मांगता हूं, क्योंकि जब मैं रास्ते में आ रहा था तो कुछ बच्चे इशारे से मुझे समझा रहे थे कि पीने का पानी भी नहीं है। आप सबको जो भी असुविधा हुई है चांसलर के नाते, ये मेरा दायित्व बनता है और इसलिए मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा मांग करके मेरी बात का। बोधगया सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट मामले में आज सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। सजा का ऐलान 31 मई को होगा। एनआईए की विशेष अदालत ने आज अहम फैसला सुनाते हुए बोधगया ब्लास्ट मामले में सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। सजा की बिंदु पर कोर्ट 31 मई को सुनवाई करेगा। इस मामले में 90 लोगों की गवाही और ठोस सबूतों के आधार पर आज फैसला सुनाया गया। कर्नाटक में लंबे समय से चले सियासी संग्राम का आज अंत हो गया। कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी ने आज विश्वास मत हासिल कर लिया। कर्नाटका विधानसभा में मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने आज विश्वास मत हासिल कर लिया। फ्लोर टेस्ट के दौरान कुमार स्वामी के पक्ष में 117 विधायकों के वोट पड़े। इस तरह कांग्रेस जेडीएस गठबंधन ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है और कुमार स्वामी अब कर्नाटका के मुख्यमंत्री बन रहेंगे। बता दें कि मोहम्मद परीक्षण के पहले सदन में काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद बीजेपी के सभी विधायक वॉकआउट कर गए। बोकारो में हुए एक सड़क हादसे के बाद नाराज भीड़ सड़क पर उतरती दिखी। आक्रोशित लोग आगजनी कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बोकारो के कंजकिरो इलाके में आज हुए सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार पति पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल डाला। बाइक पर कुल 4 लोग सवार थे। हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और आगजनी करते हुए ग्रामीणों ने घंटों प्रदर्शन किया। फिर एक नाव हादसा हुआ। इस हादसे में 5 लोगों को तो बचा लिया गया पर एक मासूम की मौत हो गई। पटना के कृष्णा घाट के पास आज फिर एक नाव गंगा नदी में हादसे की शिकार हुई। नाव में एक ही परिवार के कुल 6 लोग सवार थे। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह 5 लोगों को तो बचा लिया, लेकिन एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे की तलाश तेज कर दी है। मौत का वायरस निपाह केरल से निकलकर देश के कई राज्यों में जा पहुंचा है। खतरा इतना गंभीर है कि हालात को देखते हुए झारखंड सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से मांस मछली और फल न खाने की अपील की है। विभाग ने सभी जिलों के अस्पतालों को अलर्ट में रहने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग को डर है कि निपाह के संक्रमित मरीज झारखंड आ सकते हैं, ऐसे में उनकी निगरानी जरूरी है। सभी जिलों के रैपिड रिस्पॉन्स टीम को हिदायत दी गई है कि वे प्रभावित राज्यों में आने वाले सभी संभावित मरीजों पर कड़ी नजर रखे। डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने में नाकाम रही केंद्र सरकार अब ठिकरा राज्य सरकारों के सिर फोड़ सकती है। नीति आयोग ने केंद्र को बकायदा एक सुझाव भी दिया है।
तेल की बढ़ती कीमतों में आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार रास्ते तलाश रही है। इस बीच नीति आयोग ने कहा है कि राज्य सरकारों के पास क्षमता है, ऐसे में उन्हें वैट घटाकर आम आदमी को राहत देनी चाहिए। जाहिर है इस सुझाव के बाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव की स्थिति पैदा होगी। हथियारबंद अपराधियों ने आज लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। खास बात रही कि घटना के बाद पुलिस ने तुरंत दो लुटेरों को धर दबोचा। आमस थाना की जीटी रोड के पास आज लुटेरों ने वारदात को अंजाम देते हुए 25 लाख रुपए लूट लिए। पैसा टोल प्लाजा के थे और जिसे कर्मचारी बैंक में जमा करने ले जा रहा था। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम देकर चलते बने। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद घेराबंदी शुरू कर दी गई। पुलिस ने दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दावा है दोनों वारदात में शामिल थे। सीबीएसई बोर्ड के 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है। कल यानी 26 मई को सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड कल 12वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है। फिलहाल अभी बोर्ड ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि रिजल्ट कल कितने बजे जारी होगा। पहले बताया जा रहा था कि 12वीं का रिजल्ट 28 से 30 मई के बीच जारी किया जा सकता है, लेकिन अब खबर है कि रिजल्ट कल ही जारी कर दिया जाएगा। झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह का आज रांची के कोटवार स्थित खेलगांव में रंगारंग आगाज हुआ। समारोह अगले 3 दिनों तक चलेगा। सितारों से सजे खेलगांव में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अमोल पालेकर, संजय मिश्र, अखिलेंद्र मिश्र, यशपाल शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। मांदर, नगाड़ा और तूरी के साथ साथ झारखंडी नृत्य से सजे समारोह को देश विदेश से आए कलाकारों ने काफी सराहा। 27 मई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में फिल्म जगत के कई बड़े सितारे भी शामिल होंगे। Press the bell button and also subscribe our YouTube channel, Reporters 11.